हाय बच्चों, आज हम योहन्ना की किताब 11 अध्याय में यीशु मसीह लाजर को जिंदा किया इस अद्भुत कामों को आज हम देखेंगे। योहन्ना 11 अध्याय में इसके बारे में पूरा लिखा है, आप पूरा वचन को पढ़ना हा? लेकिन आज मैं बताऊंगी इसके अंदर क्या क्या है, तो मेन बातों को मैं आपको बताने वाली हूँ। बेतनिया एक गांव में दो बहन एक भाई रहते थे। हाँ, कितने लोग बेटा? तीन भाई बहन रहते थे, इसमें दो दीदी है एक भाई है, ये लोग रहते थे। इसमें लाजर को बीमारी हो गया तो इसके कारण लाजर मर गया। तो वहां यीशु मसीह नहीं था, उस समय यीशु मसीह यरूशलेम में था। तो यरूशलेम में यीशु मसीह था, तभी इन बहन लोग यीशु मसीह को बताने के लिए एक आदमी से ऐसे संदेश भेज रहे हैं, लाजर बीमारी में है करके उनको बताया यीशु मसीह को। जब यीशु मसीह नहीं आया तो उसके पहले ही लाजर मर गया, मरने के बाद उसको कब्रिस्तान में रख दिया। तो दीदी लोग क्या करेंगे, सोचो, दो दीदी थी एक ही भाई था, जवान लड़का था मर गया, कितना दुख होता होगा। हाँ, ये लोग बहुत रो रहे थे, तो वहाँ के लोग आके उनको शांति देने के लिए आए थे, आके उन लोग बैठ के उनके साथ वो लोग भी रो रहे थे। तो चार दिन के बाद यीशु मसीह यरूशलेम से ये बेतनिय्याह गांव में आ रहे थे, रास्ता में आ गए, अंदर आने का थोड़ा समय इन लोगों का पास आने के लिए थोड़ी दूर है। तो वहाँ आते आते तो मार्था मरियम है ना, इसमें से मार्था को पता चल गया यीशु मसीह आ रहे हैं करके, वो तुरंत यीशु मसीह के पास दौड़ के गई, जाके उनके पैर में गिरी। गिरने के बाद बोलते, आप यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता, ऐसे करके वो बोलती है। और यीशु मसीह बोलते हैं 22 वचन में हम देखते हैं, और अभी भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तुम परमेश्वर से मांगेंगे परमेश्वर तुझे देगा। वो ये भी बोलती है, आप यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता, और ये भी बोलती है, अभी भी मैं जानती हूँ आप परमेश्वर से मांगेंगे वो आपको देगा, ये भी मैं विश्वास करती हूँ करके ये मार्था बोल रही थी। तब यीशु मसीह बोला, तेरा भाई फिर जी उठेगा, ऐसे करके यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया। तभी बोलती है, हाँ प्रभु, मैं जानती हूँ जो अंतिम दिन में होता है ना पुनर्तप, तब उस समय मेरा भाई जी उठेगा करके। तो यीशु मसीह उनसे बोल रहे हैं, पुनर्थान और जीवन मैं ही हूँ। हाँ, जो इसमें लिखा, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। समझ आ गया, पुनर्थान और जीवन कौन है? यीशु मसीह है। वो कहते हैं, अगर जो कोई भी मेरे ऊपर विश्वास करता है यदि मर जाएगा तो भी जी उठेगा। और यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई जीवित है मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत काल तक ना मरेगा। दो चीज इधर बता रहे, अगर मर जाएगा मेरे ऊपर विश्वास करेगा वो जी उठेगा, और जिंदा है वो मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत काल तक ना मरेगा। दो चीज इधर यीशु मसीह बता रहे हैं, एक पुनर्थान एक जीवन मैं ही हूँ, दोनों यीशु मसीह है करके उनको समझा रहे थे। तो उसके बाद यीशु मसीह उनसे बोल रहे हैं, क्या तुम विश्वास करती है? तभी वो कहती है, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वो तू ही है करके मैं विश्वास करती हूँ। मार्था के अंदर ये विश्वास था, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है करके वो
विश्वास की। तो इतना ही नहीं, और दौड़ के वो जाकर अपनी बहन है ना, तो उनको चुपके से बोल रही है, क्योंकि सब लोग बैठे हैं ना उनके पास, सब लोग आके उनको शांति देने के लिए, क्यों रो रही हो, ऐसे ऐसे बोलने के लिए लोग आते हैं ना, तब ऐसे ही यहूदी लोग आके वहाँ बैठे थे, तो इसके लिए चुपके जाके बोल रही है, गुरु यही है और तुझे बुलाता है। तो वह वहां बैठ के रो रही थी ना, तो उस जगह से उठ के वो सुनते हुए यीशु के पास गई, मरियम दौड़ के गई। तो वहां बैठे हुए ना, तो वो लोग समझ रहे हैं इसको बहुत दुख होता होगा, ये रोने के लिए कब्र स्थान के पास जा रही होगी, क्योंकि लाजर को रख दिया ना उस कब्र के पास जाती होगी करके, वो लोग भी इनके पीछे चलने लगे। समझ आ गया, जो माता आपके बोल रही है गुरु तुझे बुला रहे हैं, तो ये उठ के जाने लगी। इनके पीछे भी जितने लोग बैठे थे वो लोग सोच रहे हैं मरियम अपने बाएं को जो रखा है उस कब्र के पास जा रही है करके, ये लोग भी उनके पीछे चलने लगे। और इतना ही नहीं, मरियम वहां पहुंची और यीशु मसीह को देखते हुए उनके पांवों पर गिरी, मतलब उनके चरणों पे गिर गए, बोल रही है हे प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। जैसे मार्था कही थी वैसे ये भी बोल रही है, आप यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता, ऐसे करके वो बोल रही थी। तो बहुत रोती थी, यहाँ के लोग भी रोते थे, यीशु मसीह भी अपनी आत्मा में बहुत दुख होकर यीशु मसीह रोया, इसमें लिखा है यीशु मसीह भी रोया था। और यीशु मसीह उनको ऐसे भी बोलते थे, तुमने उसे कहाँ रखा, कहाँ उनको रखा है करके पूछ रही थी। तब वो बोलते रही है हे प्रभु चलकर देख ले, ऐसे करके वो बोल रही थी। फिर वहाँ के लोग बोलते हैं देखो यीशु मसीह के ऊपर कितना प्रेम रखता है, ऐसे ऐसे करके वो लोग बातचीत कर रहे थे। तो यीशु मसीह वहाँ जाकर जिसके अंदर लाजर को रखा था उसके बाहर एक बड़ा सा पत्थर उसकी पूछ पे रख के बंद किए थे, जो बंद किए थे उस पत्थर को यीशु मसीह कहा है पत्थर हटा। तब तुरंत वो बोल रही है उसमें, वो उनकी बहन बोल रही है ये तो मर के 4 दिन हो गया, इसमें से बदबू आ रहा है, ऐसे करके वो बोल रही थी। तब यीशु मसीह कहा क्या मैंने तुमसे नहीं कहा है यदि तुम विश्वास करोगी तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। वो कहती है प्रभु इसमें से दुर्गंध आएगा, वास मारेगा, 4 दिन हो गया है, ऐसे करके बोल रही थी। तब यीशु मसीह उनसे कहा तुम विश्वास करोगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। क्या बोला, तुम विश्वास करोगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी करके। फिर उन्होंने वो बोला पत्थर को हटाओ करके बोला ना, तो उन लोग तुरंत पत्थर को हटाया और यीशु मसीह अपने आंखों को उठाकर पिता के ओर प्रार्थना किया, ऐसे प्रार्थना किया हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू मेरी सुन ली है। यीशु मसीह का प्रार्थना को देख एक विश्वास है, यीशु मसीह का प्रार्थना को पिता सुनते हैं, और मैं जानता हूँ कि सदा मेरी सुनता है, हमेशा मेरा प्रार्थना को पिता सुनता है। लेकिन यहाँ जितनी लोग आसपास है तो उन लोग के कारण मैं ये शब्द जोर से कहता हूँ ताकि उन लोग आपके ऊपर विश्वास करे करके। प्रार्थना खत्म होने के बाद एक बड़ी शब्द से यीशु मसीह पुकारा हे लाजर निकला, तुरंत लाजर पूरा वो वादा हुआ था ना, वो लोग ऐसे बांधते रहते थे, बाहर आ गया। यीशु मसीह लाजर को जिंदा किया और यीशु मसीह बोला वहां के लोगों को उसे खोल दो और जाने दो। क्या बोला, खोल दो और जाने दो करके वहां के लोगों को यीशु मसीह बताया। तो इसके अंदर से एक मेन बात है, ये बहुत एक बड़ी सच्चाई है
आप लोग जानना है, हाँ सब लोग जानना है, मैं भी और भी जानना है। इसके अंदर से पवित्र आत्मा आज हमें बता रहे, देखो फर्स्ट बात ये है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना। तो मार्था जब रो, मार्था पहले ही मेरा भाई बीमार है करके यीशु मसीह को खबर भेज दिया ना, यीशु मसीह को पता चल गया लाजर बीमारी में है करके खबर पहुंच गया। हम भी देखो अपने जीवन में जितने भी प्रॉब्लम होता है फर्स्ट हम किसको बताना बेटा, यीशु मसीह को बता देना हा? फिर बाद में लाजर तो मर गया लेकिन देखो यीशु मसीह वापस वहां आए थे क्योंकि वो बोल दिया ना यीशु मसीह अपना वायदा को पूरा करते हैं, जो कोई भी उनके ऊपर विश्वास करते हैं उनको यीशु मसीह छोड़ते नहीं। वो वापस वहां आया, आते आते मार्था को पता चल गया, मार्था क्या कि बेटा दौड़ गया आई बुद्धि आप यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। देखो उसके अंदर विश्वास था, अगर यीशु मसीह होता तो वो बीमारी को चंगा करेगा, वो जानती थी इसलिए वो बोलती है अगर आप होता तो मेरा भाई नहीं मरता, वो इतना ही जानती थी, वो मर जाएगा तो भी जिंदा करेगा करके वो इतना नहीं जानती थी, इतना जानती थी अगर बीमारी है यीशु मसीह चंगा कर देगा इसलिए बोलती है आप यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। तब यीशु मसीह बोलेंगे तेरा भाई जी उठेगा, वो नहीं समझी थी, यीशु मसीह ऐसे ही बोला वो मर जाएगा तो भी जिंदा हो जाएगा करके, वो बोलते हैं हाँ मुझे पता है अंतिम लास्ट समय होती है ना जब यीशु मसीह आएगा जो मसीह में मरेंगे वो जिंदा हो जाएंगे, तो उस बातों को वो बोल रही थी। तब यीशु मसीह कहा है पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, तो मैं बोलूंगी आप मेरे पीछे पीछे बोलना, ठीक है बेटा? यस सर। हाँ यस सर। यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। समझ आ गया? यस सर। पुनरुत्थान मतलब जो कोई भी मुझ पर विश्वास करता है, जो कोई भी यीशु पर विश्वास करता है अगर वो मर जाएगा तो भी वो जिंदा हो जाएगा, ये पुनरुत्थान है, है? जीवन मतलब जो जिंदा है वो मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत काल तक ना मरेगा, मतलब उसको मृत्यु नहीं है। समझ आ गया? यही है पुनरुत्थान और जीवन। पुनरुत्थान मतलब मर जाएगा तो भी जी उठेगा, जो कोई भी यीशु के ऊपर विश्वास करेगा वो मरेगा तो भी जी उठेगा। जीवन मतलब वो जीवन देने वाला है, वो कहते हैं अगर मुझे विश्वास करता है तो कभी नहीं भी मरेगा, जीवन आ गया ना, यीशु मसीह जीवन है। तो वैसे ही वो यीशु मसीह ने उनसे कहा और मार्था दौड़ के आई मरियम से बोल रही है गुरु आया तुझे बुला रहा है, यीशु मसीह बुलाता है, गुरु आया है सुनने से, जहां बैठ के वो रोती होगी अपने भाई के लिए रो के पूरा सुबह वह के दुख की गहराई में जाके बैठ के वो रोती होगी, लेकिन वो शब्द सुनी है यीशु तुझे बुला रहा है, तुरंत जगह से उठ गई, उठ के यीशु के पास दौड़ के गई। ऐसे हम भी होना चाहिए, हम बैठ बैठ के रोना नहीं चाहिए, अब यीशु के पास चले जाना, मतलब चले जाना मतलब क्या, हमारा मन में तुरंत रोना छोड़कर यीशु मसीह में आपको विश्वास करती हूँ करके यीशु मसीह के पास हमको चले जाना। देखो वो वहां से उठ के यीशु के पास चली गई, जीवन दाता वही जीवन है, वही मुझे बचा सकता है, वही मुझे शांति दे सकता है करके वो समझ गई, इसलिए वो दौड़ के यीशु मसीह के चरणों में जाके गिरी, तो कहती है वो भी आप यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। यीशु मसीह मरियम से कह रहे हैं तुम विश्वास करोगे परमेश्वर की महिमा को देखोगे। उसके यीशु मसीह याद दिलाया पहले से मैं तुम्हें भूला था करके उनको यीशु मसीह याद दिलाते हैं, आज यीशु मसीह हमको भी याद दिलाते हैं।
तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। अगर मर भी जाएगा तुम विश्वास करोगे वो जिंदा हो जाएगा। अगर तुम जिंदा हो मुझे विश्वास करोगे तो अनंत काल तक जिंदा ही रहेगा, नहीं मरेगा करके वो उनको यीशु मसीह बता रहे हैं, उनको याद दिला रहे हैं तुरंत वो कि वो ही अंदर से हाँ मुझे विश्वास करना करके अपने आप को समर्पण किया होगा मन से आत्मा से प्राण से सब यहाँ ही होता है ना, सोच में ही होता है। रोना भी बोलते हैं हाँ तुमको दर्द हो रहा है रो तुम बीमारी हो, यहाँ ही आता है सोच में ही आता है। तो माइंड बताता है तुरंत शरीर उसके अनुसार चलता है ना। तो इसको इधर हम यीशु मसीह के पास हमारा सोच को लेके जाना, वो जहाँ बैठी थी वहां उठ गई, जीवन के पास आ गई, जीवन दाता के पास आई। तो जीवन दाता क्या किया, उसका रोना को खुशी में बदल दिया ना। यस आदा क्या किया, वो दीदी रो रही थी अपनी भाई खो दिया करके, लेकिन जो खोया था जो मरा था उस भाई को वापस यीशु मसीह जिंदा कर दिया, इसलिए दीदी अभी खुश हो गई। हाँ समझ आ गया। तो यीशु मसीह गुफा के पास आया तो बोले थे ये पत्थर को हटा। आज हम भी सोचे होंगे बस समाप्त हो गया, बस मेरे जीवन में अभी कुछ भी आशा नहीं है, जो मैं सोचा था पूरा खत्म हो गया करके आप भी पत्थर रख के बैठे होंगे। आज यीशु मसीह बोल रहे हैं पत्थर हटा। क्या कह रहे हैं, पत्थर को हमको हटा, इसका मतलब जो मरा हुआ था जो अभी होगा ही नहीं करके हम सोच रहे हैं उसके ऊपर जो पत्थर था ना उसको हटा के उसको हम यीशु मसीह को आने देंगे, क्योंकि यीशु मसीह वहां आ गया। हाँ पत्थर हटाने से यीशु मसीह का आवाज अंदर गया। हाँ यीशु मसीह पिता के ओर आंख उठाकर प्रार्थना कर रहे थे। हाँ मेरा पिता मेरा सुनते हैं, हमेशा मेरा सुनते हैं, जो भी मैं मांगता वो मुझे देते हैं। लेकिन वहां के भीड़ लोगों को कान में जाने के लिए यीशु मसीह थोड़ा आवाज करके प्रार्थना किया ताकि वो लोग उनके अंदर भी विश्वास हो जाए हैं, पिता ने मुझे भेजा है करके। तो यीशु मसीह प्रार्थना करके बड़ी शब्द से तेज आवाज से बोला था लाजर आ लाजर निकला। ऐसे करके यीशु मसीह जोर शब्द से कहा, वो आवाज के अंदर यीशु मसीह का उस शब्द के अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पुनर्जीवित करने वाला, जो मरेगा तो भी जिंदा करने वाला वो आत्मा, पवित्र आत्मा वो जिंदा करते, वो अंदर जाकर लाजर के अंदर जाकर उसको जिंदा कराया। लाजर बाहर आ रहा है पूरा बांधा हुआ। तो यीशु मसीह कहते हैं उसे खोल दो और जाने दो। अभी भी पट्टी बांधा है करके नहीं सोचना, जो मरा हुआ था वो यीशु मसीह आज जिंदा कर दिया, तो पट्टी को हमको खोलना है और उस बातों को हमको जाने देना है। क्योंकि जिंदा हो गया ना वो चलेगा, वो अभी मरा नहीं है, बांधा हुआ तो कैसे चलेगा, नहीं चल पाएगा ना, उसको खोल दो। यीशु मसीह के हाथ में मैं दे दिया हूं, वो उनको जिंदा कर दिया, वो जाएगा। ऐसे करके विश्वास के साथ हम उसके हाथों में समर्पण करना, इसके अंदर से इतना एक बड़ी सीख आज पवित्र आत्मा ने सिखाया ना बेटा। हाँ दो बहन रो रहे थे, हाँ मेरा भाई एक ही था वो मर गया, हाँ रोटी जाता होगा कुछ पैसा कमा के लेके आता होगा, अभी वो मर गया अपना जवान लड़का है, अभी हम क्या करेंगे करके इतना लोग रो रहे थे। देखो दुख को आनंद में बदलने वाला हमारा यीशु मसीह, मरे मर जाएगा तो भी
हम यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे, उसको जिंदा करने वाला हमारा यीशु मसीह है। हम जिंदा है, हम विश्वास करेंगे, हम कभी नहीं मरेंगे। यीशु मसीह के लिए सब कुछ संभव है। बोलो यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के लिए सब कुछ संभव है। सब कुछ संभव है। चार दिन अभी नहीं बोलूंगी, ये बात नहीं बोलना आपको। चार दिन हो गया उसके बात में भी बदबू मारा है, बदबू को खुशबू में बदलने वाला हमारा यीशु मसीह। चार दिन के बाद दुनिया बोलेगा, चार दिन हो गया, चार साल हो गया, 40 साल हो गया बोलेंगे, लेकिन हमारा यीशु मसीह के लिए सब कुछ संभव है। एक मिनट है, लाजर निकल आगे। यीशु मसीह का शब्द जीवन है, वो जीवन देने वाला वचन है, वो जीवन का दाता है, वो जीवन की रोटी है, वो जीवन की पानी है, वो अच्छा चरवाहा है, वो आगे आगे जाता है, मेरे बेड़े मेरे आवाज सुनती है। इसकी पहला अध्याय योहन्ना 10 में यही कहते हैं, मेरे बेड़े मेरे आवाज सुनते हैं, मेरे पीछे पीछे आते हैं। मार्ता मरियम उनके पीछे पीछे आया होगा, मार्ता मरियम उनके पीछे पीछे आया, उनके आवाज को सुना, देखो जीवन पा लिया। जो भाई मरा था उनको जिंदा कर दिया यीशु मसीह, उनकी परिवार को खुश दिया, परिवार को बनाने वाला, परिवार में खुशियां देने वाला हमारा यीशु मसीह है। जो हम रो रहे थे हमारा आंसू को पोंछने वाला, हमको खुशी से भरने वाला, हमको आनंद से भरने वाला। मर जाएगा, चार दिन हो गया बदबू मारा है, यीशु मसीह का एक वचन काफी है, हमको जिंदा करेगा, बाहर लेके आएगा। आज हम पत्थर को हटाना, दिल पत्थर हो गया, पत्थर को हटा ताकि तुम्हारे अंदर यीशु मसीह जाएंगे, जो मरा हुआ है उसको जिंदा कराएंगे। यीशु मसीह के लिए सब कुछ संभव है, यीशु मसीह के लिए सब कुछ संभव है। उनके पीछे जाने वालों को कभी हरावट नहीं है, जायवान से भी बढ़कर हम जिएंगे इस दुनिया के अंदर। अभी एक गाना गाएंगे, गाओ प्रभु के लिए करते हैं उनकी जीवन में विजयता मिलते रहेगा, कभी भी हरावट नहीं है। अंतिम जय हमारी जय, क्योंकि जय देने वाला कौन है? यीशु मसीह। शांति देने वाला कौन है? यीशु मसीह। जगा देने वाला कौन है? यीशु मसीह। जिंदा करने वाला कौन है? यीशु मसीह। हमारे यीशु मसीह के लिए सब कुछ संभव है। समझ आया? यस जी। प्रार्थना करेंगे। यस जी। हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु आपका मधुर वचन के लिए, आप हमसे बात किया। हालेलुया, यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा, जीवन दाता, हमको जीवन देने के लिए इस दुनिया में आप आए हैं प्रभु। चोर आता है चोरी करने, घात करने, मार डालने, आप हमारे जीवन में आते हैं जीवन देने के लिए, बहुदायक के जीवन देने के लिए आप आए हैं प्रभु। लाजर को जिंदा किया, हालेलुया, आपका वचन में सामर्थ्य है, आपका हर एक वचन हमको जिंदा कराएगा प्रभु।
हम विश्वास करते हैं और परमेश्वर का बेटा है यीशु मसीह, आप हमारे लिए 2000 वर्ष के पहले मरा, लहू बहाया, तीसरा दिन जी उठा, आज भी जिंदा है, आप हमारे अंदर है, रहते हैं प्रभु, इन सारे बच्चों के अंदर आप रहते हैं, इन सारे बच्चों के जीवन में प्रभु, इस बीज 100 गुना फल लाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, इन बच्चों को प्रभु आपके हाथों में समर्पण करते हैं, मुझे भी मैं समर्पण करती हूँ, आप प्रभु हमें संभालिए, चलाइए, यीशु के नाम से मांगते हैं।